वो आपने सुन लिया, न्याय की गुहार वो लगा रही है वो आपने सुन लिया। उधर सौरभ कांत तिवारी ने भी सोनिया अख्तर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या वो कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था, आपको झूठे चार्जेसों में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बांग्लादेश से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एक दबाव मेरे मांस में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में, मैंने हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश में ये हो सकता है क्योंकि इनके जो समाज इनका वहाँ है, इनके सारे कनेक्शंस वहाँ पे हैं, इनके संगठन काफ़ी स्ट्रांग थे, वकील थे, पुलिस थी, सब इनके साथ में थे, तो एक पूरी टीम की तरह काम करते थे ये लोग। तो सौरभ कांत तिवारी को आपने सुना, सोनिया अख्तर जिन पर इल्जाम लगा रहे थे वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया ये मुझे बताइए, क्योंकि इससे पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया ये भी सौरभ कांत तिवारी ने आरोप लगाया, अभी जो हमने दर्शकों को सुनाया उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये ब्लैकमेल किया गया कि आप बांग्लादेश से बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं उनका समाज वहां पर बहुत स्ट्रांग है। क्या ये पूरा मामला है, क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात उस समय हुई थी? इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप जो बोल रही है ना, जो मेरे हस्बैंड बोल रही है बांग्लादेश से बाहर जाने नहीं दूं, आप एक बात बताइए, ये मजाक का बात नहीं है। जो बांग्लादेश रह के 2-3 बार इंडिया आ चुकी है, उसके बाद 1 महीने 10 दिन 20 दिन रह के वापस क्यों गया बांग्लादेश? बांग्लादेश से आने ही नहीं दूंगी तो आया कैसे हो? इससे पहले कैसे आया बताइए? 24 दिसंबर से पहले 2 साल में तो 3 बार आया है इंडिया, तो उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने रह के फिर बांग्लादेश वापस क्यों गया है? ये मजाक नहीं है, बताइए आप लोग ही बताइए ना। तो सोनिया आगे कैसे आप गया बताइए? नहीं, आगे क्या आप पति पत्नी दोनों के ऊपर केस करेंगी? हाँ, मैं पति पत्नी अभी दोनों के ऊपर केस करूंगी क्योंकि वो पत्नी के एक लेडी होके, एक माँ होके दूसरी माँ को इतनी तकलीफ दे रही है, एक बच्चा को इतनी तकलीफ दे रही है, इससे ज्यादा घटिया तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। वो एक औरत नहीं है, उसके नाम पे भी मैं केस ठोकूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चा को बहुत तकलीफ दे रहे, वो मेरे से मेरे पति को छीन के लेकर आए, वो एक बच्चा से उसको बाप को छीना है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, उसके ऊपर मैं पहले केस ठोकूंगी क्योंकि जितना गलती मेरा हस्बैंड का है उससे ज्यादा गलती वो आप कर रही है, क्योंकि आने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे से मिली है, आने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे को होटल रूम में जाके गले भी लगा लिया है, दोनों रोया भी है, उसके बाद रचना शर्मा जो हो रही है रचना शर्मा की वजह से ही हो रही है। मैं सारा दुनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रचना शर्मा का विचार पहले करिए, उसके बाद तो सौरभ कांत तिवारी तो है ही, दोनों का विचार चाहती हूँ मैं। सोनिया लेकिन आप कह रही हैं कि सौरभ कांत तिवारी कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि हनी ट्रैप उसके साथ कर दिया जाएगा, कोई महिला हनी ट्रैप कर देगी, तो सवाल तो फिर वही बनता है ना कि सौरभ कांत तिवारी अगर आप कह रही हैं छोटा बच्चा नहीं है कि हनी ट्रैप कर दिया जाए तो कोई दूसरी लेडी कैसे कंट्रोल कर रही है? फिर आप रचना शर्मा पर कैसे आरोप लगा रही है? आप कैसे जानती है कि उसके कहने की वजह से सब हो रहा है? नहीं नहीं, रचना शर्मा का ही मैं इसीलिए लगा रही हूँ। देखिए, मैं उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मेरा सब कुछ देख रही है, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, देखो दीदी जो किया है मेरा हस्बैंड ने किया है, हम दोनों का पति किया है, इसमें ना बच्चा लोगों का कोई दोष है ना हम दोनों का कोई दोष है, तो आप क्यों ऐसा कर रही हो, आप प्लीज मान लो। और रचना शर्मा, मेरा हस्बैंड ने खुद बताया, एसीबी मैम के उधर जब गया था मेरा हस्बैंड मेरे बाजू में बैठ के ही बात किया, आप जाके उधर जाके पता लगा सकती है, उधर भी हर जगह सीसी कैमरा है, मेरा हस्बैंड मेरे बाजू में बैठ के बोल रही है, सोना मेरे साथ बहुत मार पिटाई हो रही है, घर में मेरे को बहुत प्रेशर कर रही है, रचना जहर पी लेगी, बच्चा दोनों को पिला लेगी, मैं कैसे भी करके तेरे को स्वीकार करूंगी ना, वो लोग मेरे को जिंदा नहीं बचने देगी, तो तू प्लीज वापस चली जा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैंने बोला देखो, मैंने 8 महीने से आपके लिए वेट किया, मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे भी तो मन है, मेरा भी तो हस्बैंड का जरूरत है, एक बच्चा उसको बाप को नहीं देख रही है, आप प्लीज आप कुछ करो। फिर उन्होंने क्या है, उसके बाद ही वो रचना शर्मा आ गया है सामने, उसके बाद रचना शर्मा इशारा किया है, उसको बुलाया है, धमकाया है आंखों से, उसके बाद चुपचाप से मेरा हस्बैंड चला गया है क्योंकि रह रही है तो रचना शर्मा के साथ, मेरा बच्चा हस्बैंड का भी तो जान का खतरा है, और रचना शर्मा कुछ भी कर सकती है। सोनिया, हमें पूरी उम्मीद है, बिलीव नहीं हो रही है, मैं आपको मेल दिखाऊंगी। नहीं, देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी सच होगा अब सामने आ जाएगा, आपको न्याय मिले ये भी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो सोनिया अख्तर को एक तरफ आपने सुना जो कि बांग्लादेश से भारत आई है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत आई है सीमा हैदर। अब सी